जय हिंद जय भारत। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका दिमाग ही बौखला जाएगा कि सरकार सैनिकों के साथ किस तरीके से बदतर व्यवहार करती चली जा रही है। ऐसी चीज है ना, मेरा तो दिल उदास हो जाता है कि सरकार क्यों ऐसा सैनिकों के साथ कर रही है। जितना उनको दुखी कर सकती है ना सरकार, जितना परेशान कर सकती है उतना करती चली जा रही है। अब एक ऐसी वीडियो हाल ही में सामने आई है, पहले आप वीडियो देख लीजिए। मैं कि मेरा तो दिमाग घूम गया था ये चीज देख के कि सरकार कैसे किसी सैनिक की फैमिली के साथ ऐसे कर सकती है जो शहीद हो चुका है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये राष्ट्र की तरफ से संजय की याद में तिरंगा उनके परिवार को दिया जा रहा। जोर से बोलो। जैसा आपने देखा इसमें, वो लड़का उस तिरंगे को किस तरीके से अपनी छाती से लगाकर रो रहा है। और वो तिरंगा, आप मेरे को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सब सैनिक, आप तो पहले ही जानते होंगे कि तिरंगा किसी के घर पे क्यों पहुंचाया जाता है। मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं ये चीज। तो आप ये देखिए, जो शहीद हुआ है वो 8 दिसंबर को 24 से 25 साल का था और 8 दिसंबर को उसकी शादी थी। आप सोचिए, शादी वाले घर का माहौल था और उसको घर अपने वापस आना था शादी करने के लिए। उसकी खुद की शादी थी और उसकी जगह पे उसकी, एक तो सैनिकों की बॉडी नहीं मिलती है। सबसे दुख की बात तो ये है, लड़ाई में जंग में वो जाते हैं, ना जाने क्या होता है उनकी बॉडी। बहुत ही कम सैनिक होते हैं जिनकी बॉडी उनके घर तक सच में पहुंचाई जाती है, वरना सिर्फ एक तिरंगा पहुंचा दिया जाता है, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती है। सरकार के बस की बात नहीं है कि वो सैनिक की डेड बॉडी कम से कम उनके घर वालों तक पहुंचा दे, कि उनका आखिरी बच्चे, आखिरी दफा उस अपने बच्चे का मुंह तो देख ले कम से कम। शहीद हुआ ही चेहरा ही देख के उनके दिल को सुकून मिल जाएगा, चलो हमने देखा, तो उनको वो तक देखने को नहीं मिलता है। और सरकार ने सिर्फ ये हद पार नहीं करी है, एक और छोटी सी वीडियो है, मैं इसके ऊपर सिर्फ आपको कुछ नहीं कह रही, एक और छोटी सी क्लिप है। देखा आप, इसमें शहीद की माँ, अभी जो हाल ही में एक शुभम गुप्ता नाम का सैनिक शहीद हुआ है, उसकी माँ को ये नेता लोग 50,000 रुपए दे रहे हैं। उसकी माँ को आप देख ले किस तरीके से बिलक बिलक के वो रो रही है, क्योंकि वो चाहती थी कि आप कोई प्रदर्शन ही मत करिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, उसका बच्चा गया है। अगर इस मंत्री का बच्चा वहां पर होता ना, और हम इनको ऐसे चेक थमाते कि लो हमारे साथ फोटो खिंचवाओ, तब इनको पता चलता कि कैसा कैसी बीतती है उस इंसान के ऊपर जिसका बच्चा देश की रक्षा के लिए गया। गर्व सबको होता है कि हमारा बच्चा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, लेकिन वो अगर उसकी माँ चाह रही है कि आप प्रदर्शनी ना करें, हम, मेरे को नहीं चाहती कि कोई भी फोटो वगैरह ली जाए, उसकी हालत देखिए, और तब भी ये नहीं, हमें तो फोटो खिंचवानी, देखो हमने 50,000 रुपए दी, हमने तो 1,00,000 रुपए दी, एहसान कर रहे हो तुम सैनिकों पर, उनको लाखों 2,00,000 रुपए देके एहसान नहीं कर रहे हो। किसी का बच्चा वापस नहीं आ सकता, वो जो शहीद हुआ है सैनिक वो वापस नहीं आ सकता। ऊपर से अब तो एक और भी बात सामने आ रही है कि अब इनका अलग ही षड्यंत्र ये सरकार रच रही है कि अब ये डिसेबिलिटी पेंशन में भी बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं, जो जिससे सैनिकों को नुकसान होगा, जिससे और कम उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या फिर मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर के रूल ये और सख्त बनाने की सोच रहे हैं। MSP इक्वल की, MSP हटाने का ये सोच रहे हैं। इतनी इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, आप सोचिए सैनिकों पे क्या गुजरेगी, और क्यों कोई अपना बच्चा ऐसे भेजना चाहेगा देश की रक्षा करने के लिए अगर तुम उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करने वाले हो। और जो शहीद हुआ सैनिक तक को नहीं पता होगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ के साथ ऐसा होने वाला है, वरना वो खुद भी नहीं जाएगा बॉर्डर पर अगर उसे पता हो ये बातें। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार के ऊपर कि तुम सैनिकों के लिए अच्छा तो कुछ करते ही नहीं हो, अच्छा तो कर ही नहीं रहे हो। आंदोलन कर लिया, अभी हाल ही में रेलों का आंदोलन हुआ है वो कर लिया, जंतर मंतर पे बैठे ना जाने क्या आए दिन करते चले जा रहे सैनिक, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते सैनिकों के लिए। इनको जवानों से सच में कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ जताने के लिए हमदर्दी देते हैं ये। इतना जो तुम पैसा अपनी राजनीति पे लगा रहे हो ना वहां फूंकते हो, उतना जवानों के लिए फूंक दोगे ना तुम तो तुम्हारा देश यहां से यहां पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहिए इनको, इनकी अय्याशी चाहिए, इनको इनका पैसा चाहिए बस, इनको जवानों से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये चीजें बोलते वक्त भी ऐसे रूह कांप जाती कि कैसे सरकार कर सकती है ये चीजें।
मेरा भी फैमिली मेंबर अगर कोई वहां पर होता मुझे कितना दुख होता, आप लोगों का ही होगा, आप भी होंगे, आप लोगों को कितना दुख होगा। लेकिन इनका कोई फैमिली मेंबर गया नहीं है ना वहां पर, बॉर्डर पे किसी ने झेली नहीं है ये चीज, इसलिए इनको उस चीज का कोई पछतावा नहीं होगा, इनको वो चीज कभी समझ में नहीं आएगी। सैनिकों के मन से इनको कोई मतलब नहीं है, उनकी इच्छाएं उनके हक से कोई मतलब नहीं है, बस वहां पर भी अपनी राजनीति चमकाने पहुंच गए। अगले साल इलेक्शन है, अरे सैनिक शहीद हो गया, चलो इनको थोड़ा पैसा दे देते हैं, हमें वोट मिल जाएगा, बस इनको यही तक मतलब होता है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से कि आप ये वीडियो शेयर करिएगा। मुझे तो लगता नहीं कि सरकार की इस तरीके की षड्यंत्र ये जो रचते रहते हैं मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग भी अब इतने समझदार हैं कि आप लोग भी सरकार के षड्यंत्र समझते हैं। तो बस जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकार कितने घटिया काम करती चली जा रही है, पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी ही है, और सरकार मुझे तो नहीं लगता कभी सुधरने का काम करेगी भी। तो मैं हूं साक्षी सीसीएन न्यूज 24 से, धन्यवाद।